गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, द रेट फाइव करियर सॉल्यूशन की तरफ से मैं फिर से एक बार अगले सर क्लास 11 का मैथ लेकर आया हूँ। जैसे कि मैं बता देता हूँ, क्लास 11 में हम लोग लिमिट्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग बेसिक्स और कुछ फॉर्मूले मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एल्जेब्रिक टाइप के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन आपको एलजेब्रा लिमिट्स में पढ़ना है। तो कुछ टाइप मैं लाया हूं जो आज मैं डिस्कस करूंगा और उसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। आप ध्यान से समझना, कुछ कोई बहुत सारे स्टूडेंट भी इसको सॉल्व भी कर रखे होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन को पता है मैं दो टाइप से बताऊंगा। अब दोनों मैथड से बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, टोटल में पांच क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में भी होते हैं। प्लस अब हमारा 11 का जो एम है, एंट्रेंस एग्जाम ऑफ जेई मेंस, है ना। तो जेई मेंस के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चनों को करना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी टाइप में मैं लेकर आया हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप देखोगे, लिमिट x टेंस टू जीरो, वन प्लस एक्स का पावर n माइनस वन अपॉन में x, ठीक है। ये क्वेश्चन को आपको बनाना है, तो याद करना एल्जेब्रिक टाइप का जो क्वेश्चन था उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, x टेंस टू a, x टू पावर n, a टू पावर n, x माइनस a। इसका क्या होता था फॉर्मूला, n a के पावर n माइनस वन। अब आप क्वेश्चन देखना, ठीक है, क्वेश्चन आपको देखना है कि लिमिट क्या है x टेंस टू a, और यहां पर लिमिट क्या है मेरे पास x टेंस टू जीरो, ठीक है, और x का पावर n माइनस a के पावर n। यहां पर अगर जीरो है, ठीक है, लेकिन यहां है जीरो और यहां क्या मुझे वन, ये फॉर्मूले पे सेट नहीं हुआ। अब क्वेश्चन को करना कैसे, कि सबसे पहले मुझे फॉर्मूले को सेट करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूले में सेट करना है। डिस्टर्ब क्या कर रहा है, आप ये टर्म देखो, वन प्लस एक्स जो है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले लेट इसको मान लेते हैं एक टर्म y बराबर वन प्लस एक्स। इस तरीके का क्वेश्चन को करने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना इधर। देखो जैसे यहां लिमिट क्या था, x टेंस टू जीरो, हम चाह रहे थे कि अगर आप इस क्वेश्चन को चाहते तो वन प्लस एक्स किए थे, हम नीचे भी क्या करते वन प्लस एक्स माइनस वन करते, लेकिन लिमिट मेरा क्या है, यहां a होना चाहिए, यहां वन है तो यहां भी वन होना चाहिए, ठीक है। तो उस सिस्टम में हम नहीं कर सकते थे, तो जैसे कि यहां पर हम कर सकते थे वन प्लस एक्स, या ऐसा कर दो वन प्लस एक्स और माइनस वन, ये कर सकते थे, लेकिन क्या ये फॉर्मूले पे सेट बैठा, हम फॉर्मूले पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर ए चाहिए और यहां पर एक जगह पे क्या मिला, मुझे जीरो मिला, तो ये फॉर्मूले पे रिलेट नहीं हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बहुत आसान था सिंपल मैथड है। आप सीधा क्या करना कि वन प्लस एक्स जैसे टर्म मिलेंगे आप, उसको सीधा एक फंक्शन में रिलेट करो, उसे लेट कर लो आप, जैसे मैंने वाई बराबर वन प्लस एक्स रखा, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से आप पहले लिमिट की वैल्यू को चेंज करो, जैसे मैंने वाई मान लिया पूरे फंक्शन एक्स को, वन प्लस एक्स को वाई माना, अब जो लिमिट है उसे आप चेंज करो। तो देखो यहां से नौ, ठीक है, एक्स टेंस टू जीरो था फंक्शन, जब x टेंस टू जीरो था तो अब देखो x की जगह पे मैं जीरो यहां पुट करूंगा डायरेक्ट, जिस फंक्शन में मैं x माना हूं वन प्लस एक्स उसको क्या करूंगा जीरो पुट करूंगा, तो y टेंस टू क्या मिलेगा मुझे, यहां जीरो पुट कर दो तो y बराबर क्या मिल जाएगा वन, ठीक है। देखो मैं करके दिखाता हूं, y बराबर वन प्लस एक्स की जगह पे क्या है जीरो, जीरो पुट किया तो वन प्लस जीरो वन होता है ना, तो y टेंस टू आ गया जीरो। अब आप क्या करना है, यहां से एक्स की वैल्यू को निकालना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा
एक्स को इधर ही रहेंगे तो वन को इधर उठाकर लिया तो वाई माइनस वन, ये निकल गया मेरी एक्स की वैल्यू। अब कुछ भी नहीं करना है, मैंने लिमिट की वैल्यू को चेंज कर ली, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब जो जो जहां जहां फंक्शन के जगह पर रखना, जैसे वन प्लस एक्स को क्या मान लिया मैंने वाई, उसके जगह पे रख दो, ठीक है। लिमिट क्या था मेरे पास, एक्स टेंस टू जीरो, अब लिमिट हम लोग किस पे कन्वर्ट कर लिए, वाई टेंस टू जीरो, ठीक है। मैंने वाई माना था तो वाई के रिलेटिव लिमिट्स को ले लिया। अब ध्यान दो, लिमिट वाई टेंस टू वन, ठीक है, वन प्लस एक्स को क्या माने हम वाई, तो हो गया वाई का पावर एन, माइनस वन अपॉन में एक्स, नीचे एक्स है ना, एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं जहां से हम लोग लेट किए थे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या मिला मुझे, वाई माइनस वन, इसके जगह पर रख दो वाई माइनस वन। अब आप देखोगे कि ये जो फॉर्मूला है मेरे पास, ये पूरी फॉर्मूला पे सेट हो चुका है। देखो वाई टेंस टू ए, सिर्फ एक्स की जगह पर क्या कन्वर्ट हो चुका है, वेरिएबल में मिल चुका है वाई, y टेंस टू a, a के जगह पे 1 है, और यहां देखो y में फंक्शन और a के जगह पे 1 मिल गया है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का पावर n, आपको पता होना चाहिए कि 1 का पावर अगर 1 लाख b हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। सिमिलरली अगर 1 का पावर मैं b भी कर दूं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और इसके बाद जो फॉर्मूला में क्या होता है, x टेंस टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन में x माइनस a। अब जो सिर्फ x के जगह पे मुझे मिल चुका है y और a के जगह पे मिल गया है 1, बाकी पूरा फॉर्मूला सेट हो चुका है। इसका डायरेक्ट क्या होगा फॉर्मूला, n, n के जगह पे क्या मिला n मिला, a, a के जगह पे क्या मिल रहा है 1, 1 का पावर क्या होगा n माइनस 1, n माइनस 1। अब एक चीज आप मुझे बताओ, 1 का पावर n माइनस 1 है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगा, क्योंकि 1 का कितना भी पावर क्यों ना हो आंसर कितना आएगा 1, ओके। तो ये समझ में आ रहा होगा, इसका दूसरा टाइप मैं बताऊंगा तब इसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास एलजेब्रा वाला, तो एलजेब्रा वाला जो क्वेश्चन था उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर लिमिट x टेंस टू a है तो x का पावर n माइनस a का पावर n, जो लिमिट है उसका पावर n होना चाहिए, ठीक है, अपॉन में x माइनस है। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस x को मान लिया 1। अब देखो मैंने क्या किया, x चेंज कर दिया y के टर्म में, तो मैंने लिमिट भी चेंज कर, देखो x टेंस टू 0 था, अब क्या किया x टेंस टू 0 यहां पुट किया तो y टेंस टू मुझे क्या मिल गया 1, यहां से x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब सारा डाटा मैंने इस फंक्शन पे, इस लिमिट के फंक्शन पे पुट कर दिया और फिर एक्यूरेट मुझे फॉर्मूले पे सेट कर दिया, ये इसका फाइनल रिजल्ट है ना। अब दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस x का पावर 6 माइनस 1, 1 प्लस x का पावर 5 माइनस, ठीक है। अभी जैसे काम कर रहे थे, सबसे पहले क्या काम कर रहे थे, देखो 1 प्लस x, 1 प्लस x नीचे भी है, इसे एक फंक्शन में मान लो, लेट y बराबर 1 प्लस x। सेकेंड काम क्या करना है, लिमिट की वैल्यू को चेंज करना, क्योंकि आपने x के फंक्शन को y मान चुके हो, तो x टेंस टू 1 था, नाउ x टेंस टू 0 है तो y टेंस टू क्या होगा, बस सिंपल कुछ भी नहीं चेंज कर दीजिए, तरीका जो x का जगह पे लिमिट है उसको यहां पर पुट कर दो तो y टेंस टू क्या मिल गया 1, ठीक है। और यहां से x बराबर हम निकाल लो क्या मिल जाएगा y माइनस 1, जो सिमिलर पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे यहां तक। अब जो जो वैल्यू है इस फंक्शन में पुट कर दो तो लिमिट की क्या वैल्यू मिल जाएगी मुझे, x सॉरी y हो जाएगा ना, y टेंस टू 1, लिमिट हम लोग इसमें कन्वर्ट कर चुके हैं y टेंस टू 1 में। अब 1 प्लस x के जगह पे क्या पुट करेंगे, y का पावर n हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस x को हम लोगों ने y मान रखा माइनस 1, और 1 प्लस x के जगह फिर y रखेंगे, y का पावर सॉरी ये 6 होगा, क्योंकि पावर यहां 6 है तो पावर 6 होगा, इसके पावर कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1। अब क्या लग रहा है कि ये फॉर्मूले पे सेट है, नहीं, अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे लिमिट x टेंस टू a x का पावर a माइनस
a का पावर n x माइनस a n a का पावर n माइनस ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको करना क्या है, फॉर्मूला में सेट करने के लिए y के पावर 6 माइनस 1 तो नीचे जो फंक्शन होना चाहिए सिर्फ y माइनस a होना, जैसे x a है x माइनस a है उसके पावर है तो x माइनस a, नीचे भी क्या होना चाहिए था y माइनस a। अब मुझे सेट करने के लिए सिर्फ आप देखो कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं, लिमिट y टेंड्स टू 1, ठीक है, जो टेंड लिमिट की वैल्यू है y टेंड्स टू 1, y का पावर 6 माइनस 1 अपॉन में y माइनस 1, ये मैंने अपने मर्जी से किया, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या है मेरे पास, y का पावर 5 माइनस 1 y माइनस 1, इसे मैं ऐसे कर सकता हूं कि नहीं, y से y कैंसिल हो गया, y माइनस 1 नीचे है इसके और y माइनस 1 इसके नीचे भी कर दिया और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जब कट जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, y का पावर 6 माइनस 1 y का पावर 5 माइनस 1, बस जो क्वेश्चन था हमारे पास वो बस था। अब पूरे फॉर्मूले पे सही हो चुका है। लिमिट्स में मैं जब आपको बता रहा था उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि अगर कोई लिमिट डिवाइड में हो तो उसको आप सेपरेटली लिमिट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिमिट इसके साथ भी यूज होगा और लिमिट इसके साथ भी यूज होगा डायरेक्ट, इसका अलग एक फॉर्मूला बनेगा, क्या होगा इसका, एन के जगह पे सिक्स, यहाँ एन के जगह भी सिक्स कर सकते हैं, ये पावर सिक्स कर सकते हैं, नीचे यहाँ फाइव कर सकते हैं, फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा क्योंकि वन का पावर आप जितना करो आंसर उतना ही रहता है। अब देखो एन की जगह पर क्या मिला सिक्स, ए की जगह पर क्या मिला वन, वन का पावर सिक्स माइनस वन अपॉन में यहाँ नीचे वाले फॉर्मूले पे सेट होगा, एन की जगह पर फाइव, वन का पावर फाइव माइनस वन, जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा, वन का जितना भी पावर हो आंसर वन होता है, वन का जितना भी पावर आंसर वन, फाइव सिक्स अपॉन फाइव, ये इसका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन रहेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक सिंपल फंक्शन में उसको मान लेना, जैसे वन प्लस एक्स है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है उसे कोई एक फंक्शन में, फिर लिमिट की वैल्यू को चेंज करना है, उसके बाद वहां से एक्स की वैल्यू को निकालकर सारे वैल्यू को फंक्शन में पुट कर दो, अपने आप फॉर्मूले पे सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए जा रहा हूं, आपको भी थर्ड टाइप के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 e टू पावर x माइनस e टू पावर 2 अपॉन में x माइनस 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला एक पढ़े थे हम लोग लिमिट्स में, आपको शायद याद हो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर 1 होता है ना, ये होता है। अब क्या लग रहा है कि ये फॉर्मूले पे ये सेट है, नहीं है, ठीक है। नीचे मुझे सिर्फ क्या चाहिए, x चाहिए, नीचे मुझे क्या मिल रहा है x माइनस 2 डिस्टर्बेंस, ये एलजेब्रा जो है एलजेब्रिक फंक्शन जो है मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तो मैं क्या करूंगा इसे एक फंक्शन में रिलेट कर दूंगा, लेट y बराबर x माइनस 2 से मान लो, लिमिट की वैल्यू भी चेंज करना होगा क्योंकि आप y माने हो फंक्शन को, फंक्शन x में था अब उसे y में रिलेट कर लिए, तो क्या करोगे आप, नाउ x टेंड्स टू क्या था 2, तब 2 यहां x के जगह पे पुट कर दो तो y टेंड्स टू क्या मिल जाएगा 0, क्योंकि देखो y बराबर 2 माइनस 2 बराबर 0 होता है तो y बराबर 0 मिलेगा, ठीक है, y टेंड्स टू 0। अब यहां से आप क्या करो कि x की वैल्यू को निकालो, ठीक है, x को इधर ही रहने देते हैं, माइनस 2 को इधर भेज देगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा y प्लस 2, ध्यान देना ये जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये फंक्शन में जो जो वैल्यू आप निकाले हो, लिमिट की वैल्यू निकाले हो, वो सब पुट करते हुए चलो। लिमिट की वैल्यू पहले हमने क्या चेंज कर दिए हैं, x टेंड्स टू 2 था, अब y टेंड्स टू वो 0 हो चुका है, ठीक है। e टू पावर x, x की वैल्यू हम लोग क्या कर चुके हैं, e टू पावर y प्लस 2 कर दिया, देखो x था x के जगह पे y प्लस 2 कर दिया, माइनस e टू पावर 2 अपॉन में x माइनस 2 को हम लोग क्या मान चुके हैं y। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि इस हम ये जो फॉर्मूला है उस पे सेट हो जाए, है ना। अब ध्यान दो लिमिट y टेंड्स टू 0, ये चीज बताओ, एक एलजेब्रा का फॉर्मूला हम पढ़े थे,
पावर एन प्लस एन क्या होगा था ए टू पावर एन इंटू ए टू पावर एन अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़े थे ना क्लास 7-6 में पढ़े हम लोग। अब देखो यह है ई टू ई का पावर वाई प्लस टू है जिसको हम ऐसे लिख सकते थे ई टू पावर वाई इंटू ई टू पावर टू माइनस ई टू पावर टू अपॉन में वाई। अब आप देखो ई पे पावर टू इसके साथ मल्टीप्लाई है और ई पे पावर टू यहां भी दोनों कॉमन आ रहे होंगे तो क्या बचा देखो लिमिट वाई टेंस टू जीरो ई टू पावर टू कॉमन क्या बचा है यहां देखो ई टू पावर वाई माइनस वन अपॉन में वाई। अब आप देखोगे कि इस फॉर्मूले पे ये चीज पूरा सेट हो चुका है ना? अब एक चीज बताओ ई पे पावर टू कैसा नंबर है हमारे पास टू। एक याद रखना अगर एक्सपोनेंट में अगर कोई कांस्टेंट पावर होता है तो वो हमेशा कांस्टेंट ही वैल्यू होता है ठीक है। ई पे पावर टू यहाँ कांस्टेंट का काम करता है ठीक है। तो कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे ये देखो एक्स टेंस टू जीरो वाई टेंस टू जीरो मिला हमको ई टू पावर एक्स ई टू पावर वाई माइनस वन तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में मिलते हैं। याद रखना एक क्वेश्चन तो हमें लगता है कि 4 मार्क्स के जेईई मेंस में भी आते हैं आपको पता रहेगा लेकिन ये इतना कंफ्यूज लगेगा कि ये फॉर्मूले पे सेट क्यों नहीं हो रहा ठीक है। इसे सेट करने के लिए हम क्या करते हैं फंक्शन में रिलेट करते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं इसमें ये क्वेश्चन को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए एल्जेब्रिक टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम ना करे। फोर्थ नंबर वाला देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच वन बाय रूट अंडर एक्स प्लस एच माइनस वन अपॉन में रूट अंडर एक्स ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो फॉर्मूला पे सेट नहीं हो रहा तो लिमिट की वैल्यू पुट करके देख लो। जब मैं लिमिट की वैल्यू यहां पुट करूंगा एक्स टेंस टू जीरो दे रखा है एक्स की जगह पे पुट करना है एक्स की जगह पे नहीं पुट करना। याद रखना यहां जिस फंक्शन जिस वेरिएबल पे जो लिमिट दे रखी होगी हमें वही वैल्यू पे यहां पुट करना है। जैसे एक्स टेंस टू जीरो जीरो तो वन अपॉन जीरो की वैल्यू क्या होती है इनफिनिटी ठीक है। तो ये क्या करेगा पूरे फंक्शन को अनडिफाइन कर देगा। अब हम लोग यहां लिमिट पुट ही नहीं कर सकते हमें ये एच को कैसी तरह हटाना है ठीक है। तो हटाने के लिए मैं बताया था कि आप एलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज करो कैलकुलेशन का यूज करो ठीक है। लो कैसे यूज करना है इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच को जस्ट तस्तर लो क्योंकि ये हटेगा ही। अब जो काम करना मुझे इसी में करना है तो देखो एक चीज बताता हूं इस दोनों का एलसीएम ले लो क्या होगा एक्स प्लस एच रूट अंडर एक्स ठीक है। अब इतने पार्ट को इतने से डिवाइड करोगे तो ये और ये कट जाएगा बचेगा ये ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा रूट एक्स फिर इसको आप इस पार्ट से डिवाइड करोगे तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा रूट में एक्स प्लस एच बचेगा ये उससे मल्टीप्लाई करेगा एक्स प्लस एच ठीक है। अब काम करोगे अभी भी कुछ नहीं हटा। अब देखो रूट में नंबर है ठीक है और रूट में जब भी नंबर बचा क्या करते थे रेशनलाइज ठीक है। जब हम क्या एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोशिश किए तो नहीं कुछ मुझे प्रॉफिट मिला तब रेशनलाइज बचा हमारे पास उसको भी अप्लाई करते हैं। चलो लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस एच मैंने रेशनलाइज करने का तरीका भी बताया था कि चाहे वो आप ऊपर से करो चाहे नीचे से कर ही नहीं सकते तुम प्रोडक्ट में ही फंक्शन है ऊपर वाले में सब्ट्रैक्शन है तो ऊपर वाले का करेंगे है ना एक्स प्लस एच रूट अंडर एक्स इंटू रेशनलाइज करने का मतलब है कि ये वाला टर्म मैं चेंजिंग नहीं होना चाहिए सिर्फ साइन का चेंज करके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे रूट एक्स प्लस एच रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एच ठीक है। अब ये रेशनलाइज हो गया अब इसे सॉल्व कर लो ऊपर मैं हटाता जाऊं एक स्टेप आगे करता हूं ऊपर मैं हटाऊंगा ताकि स्पेस भी नहीं मिलता रहे वन अपॉन एच देखो ये ए माइनस बी
और ये a प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला इसका, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a की जगह पे क्या है x, तो रूट x का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा x माइनस, ये भी रूट में टर्म इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो रूट बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस एच, नीचे में बचेगा रूट अंडर x प्लस एच रूट एच और ब्रैकेट में ये टर्म को लिखो, ये भी तो बचा रहा क्या, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि आप वीडियो पॉज करके यहां तक लिख लेना, मैं ऊपर वाले स्टेप को हटा रहा हूं, दो स्टेप हटाने से मेरा काम हो जाए। चलो लिमिट h टेंस टू जीरो वन अपॉन h, अच्छा एक चीज बताइए माइनस अंदर जाएगा क्या बचेगा x माइनस एच ये बचेगा, तो नीचे वाले को जस्ट करता सर है दो x प्लस एच रूट एक्स, उसके बाद रूट एक्स प्लस एच, देखो ये x से x कैंसिल हो गया और माइनस एच है ये ऊपर और नीचे, जो h मुझे डिस्टर्ब कर रहा था फाइनली वो कैंसिल आउट हो गया है ना, जब मैं कैलकुलेशन किया तो लिमिट h टेंस टू जीरो बचा क्या माइनस वन, अब ये फंक्शन बचा मेरे पास x प्लस एच रूट एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस एच, ठीक है। अब मैं इसे हटा रहा हूं ताकि आपको समझ में आता रहे। तो सबसे पहले अब काम क्या करना है, अब सीधा एच की जगह जो लिमिट है उसकी वैल्यू को पुट कर दो, पुटिंग लिमिट वैल्यू, ठीक है। तो चलो माइनस वन एक्स प्लस एच, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये वेरिएबल जो लिमिट दे रखी है एच टेंस टू जीरो, जहां जहां एच से वहां वहां एच की जगह पे जीरो पुट करोगे तो एक्स प्लस जीरो रूट एक्स, ठीक है, यहां भी रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस जीरो, जब आप इसको सॉल्व करोगे फाइनल आंसर कितना आ जाएगा एक्स प्लस जीरो एक्स रूट एक्स रूट एक्स मिलके एक्स, यहां एक्स यहां हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा टू रूट एक्स, सॉल्व होकर माइनस वन एक्स टू थ्री बाई टू हो जाएगा, देखो टू यहां पर रह गया टू एक्स का पावर वन और एक्स का पावर हाफ, दोनों मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दोनों का पावर एड हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस वन अपॉन में टू एक्स थ्री बाय टू, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। तो याद रखना कि रूट में जो क्वेश्चन रहेंगे कहीं कहीं आपको एलसीएम भी करवाया जाएगा और कहीं कहीं रेशनलाइज भी करवाया जाएगा, ठीक है, दोनों चीज करवाएंगे, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। अभी जो फिफ्थ नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैं लिमिट्स का डेमो क्लास इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा,